2022-23 का बजट माशाल्लाह बहुत अच्छा और अच्छा तकसीम हुआ। जो अपोजिशन वाले थे नाराज़, वो भी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, और हमारे जो हुकूमत वाले हैं ये भी खुश हैं माशाल्लाह। सबसे जो बड़ा काम हुआ ये हुआ था कि हमारे जो ऑनगोइंग स्कीमात थे इसके लिए ज़्यादा शेयर रखा गया है। पहले जब हुकूमत ऐसे होते थे जो वज़ीर-आला होता था वो पैसे उन्होंने अंगुइन के लिए नहीं रखते थे। इस दफ़ा ये बलूचिस्तान का बड़ा फ़ायदा हुआ कि अंगुइन के लिए बहुत बड़े पैसे रखे हैं। और जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में इस वक्त आपको मालूम है कि महंगाई भी बहुत उरूज पे है, कि अंगुइन स्कीमात और जो नया स्कीमात है हो सकता है कि ये सारे रुक जाए। यानी जितने महंगाई हो रहा है महंगाई के मुताबिक वहाँ वो ठेकेदारों को वो पैसे भी मिलना चाहिए ताकि हमारी जो स्कीमात है वो रुक ना जाए। अगर ये स्कीमात भी रुक जाए तो अंगुइंग भी रुक जाएगा, तो लोगों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाएगा। असल चीज़ तो ये है कि लोग यही पैसों पर गुजारा करते हैं, जो काम हो रहा है तो उसमें मजदूर भी होता है, ट्रक भी चलता है, सब कुछ इसी पे हो रहा है। इस महंगाई के लिए जो इस वक्त पैसे यानी ठेकेदारों की जो पहले जो फंड मिला था उसमें 170 पे डीजल था, अभी 260 पे डीजल, मेरे ख्याल में और भी बढ़ जाता है। इसके बारे में कुछ और सरिया भी इसी तरह है। इसके बारे में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा रेट बढ़ा दे ताकि हमारी ये सिस्टम ना रुक जाए। और जनाब स्पीकर, हमारी जो एजुकेशन के जो सिस्टम है वहाँ उसी वक्त कैबिनेट में मेयर और मरीज साहब का एक सोच था कि हमने कहा कि ये कोई ऐसे प्राइवेट उसको दे दो ताकि ये नौकरी जल्दी हो जाए, लेकिन वो कैबिनेट वालों ने फैसला किया नहीं, ये डिपार्टमेंट खुद करेगा। इस वक्त जब आप स्कूल जाते हो तो 300 स्कूल हमारे तकरीबन 270 या 80 स्कूल खाली है, टीचर नहीं है, और हर गांव में तकरीबन 150-150 बच्चे ऐसे फिरते हैं। यानी एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि कि हमारे जो सुबह है वो किस तरह चलाना है। एक शहर में यानी एक ज़िले में आपके 300 टीचर ना हो तो किस तरह तरक्की आएगा। क्योंकि इस पे थोड़ा जोर डालना है कि जल्द अज जल्द टीचर्स की भर्ती हो जाए। और तीसरी जो हमारे हेल्थ है, हेल्थ में आप जाए तो एक हॉस्पिटल में 20 डॉक्टर होते हैं, 30 डॉक्टर होते हैं, लेकिन आप जाए तो 2 डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। जब वहाँ कार्रवाई करके यहाँ आ जाता है, वही इधर जो आप आ जाता है, कभी वो अदालत चला जाता है, वो अदालत फैसला करके दे देता है कि उसको आज़ाद वापस कर देता है, उसको उसी तरह तनख्वाह मिल रहा है। जब तक बंदे को तनख्वाह मिल रहा है उसको क्या ज़रूरत है कि वो ड्यूटी करे। 20 डॉक्टर वहाँ हमने वहाँ जब ड्यूटी नहीं कर रहे थे वहाँ से खिलाफ कार्रवाई हो गई, जब इधर सेक्रेटरीट आए तीसरे दिन वो सारे बहाल हुए, वापस वही तनख्वाह ले रहा है, कोई बंदा नहीं जा रहा है। फिर इस पे मैंने जोर डाला है, उस वक्त मैंने वज़ीर-आला साहब को भी बोला था कि चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बोला था, मैंने कहा कि जो हमारे कंट्रैक्ट जो डॉक्टर थे वही डॉक्टर वापस हमें दे दे ताकि हमारा काम चल जाए। फिर इस पर तो 3 दफ़ा मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, चीफ मिनिस्टर के पास गया, फिर लड़ाई तक पहुँचा, लेकिन बाद में उन्होंने ऑर्डर करवाया, आज वही जो प्राइवेट डॉक्टर है वहाँ से हमारे थोड़ा जो काम हो रहा है वही डॉक्टर से हो रहा है, लेकिन वरना हमारे सारे हॉस्पिटलों के ताले लग जाएगा। सर, इसके बारे में मैंने आपको ये रिक्वेस्ट है कि हर मुकमे वाले को ये ताउन करना चाहिए कि जितना भी हमारे इदारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ का हो, जैसे एजुकेशन का हो, सब अपने वो डिपार्टमेंट में काम करे, और जितने नौकरियां हैं जो बेरोज़गार लोग हैं उसको नौकरी मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा,
कि मेरे ख्याल में इधर भंडार का सेक्रेटरी बैठा हुआ था, अभी मेरे ख्याल में निकल गया। 302 बंदे उन्होंने बहाल कर दिया है जो पहले हुकूमत ने निकाला था। इसमें तकरीबन 19 बंदे उन्होंने पेंडिंग में रखा है, वो भी 19 बंदे जो है वो भी हकदार है, उसकी हर चीज़ है, कोई वो परेशानी नहीं है, वो 19 बंदे भी डालना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर, आबाद रहे। शुक्रिया मीठा खान काकड़ साहब।